नूह में हुई हिंसा को दो दिन बीत चुके हैं। शांति वार्ता भी हुई, लेकिन बीती रात एक बार फिर से दो धार्मिक स्थलों पर आगजनी की खबर है। शरारती तत्वों ने दो धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अब पूरा दलबल नूह में तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किन लोगों ने धार्मिक स्थलों को आग के हवाले किया है। वहीं नूह में भारी सुरक्षा बल तैनात है ताकि अब किसी भी तरीके से उपद्रवी शांति को भंग ना कर सके। आपको बता दें कि नूह में हुई हिंसा में दो होमगार्ड और चार आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम के सोहना, पटौदी, मानेसर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 अगस्त की रात तक बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन आपको बता दें कि नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को 2 दिन बीत चुके हैं। शांति वार्ता भी हुई, लेकिन बीती रात एक बार फिर से दो धार्मिक स्थलों पर आगजनी की खबर है। शरारती तत्वों ने दो धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अब पूरा दलबल नूह में तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किन लोगों ने धार्मिक स्थलों को आग के हवाले किया है। वहीं नूह में भारी सुरक्षा बल तैनात है ताकि अब किसी भी तरीके से उपद्रवी शांति को भंग ना कर सके। आपको बता दें कि नूह में हुई हिंसा में दो होमगार्ड और चार आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम के सोहना, पटौदी, मानेसर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 अगस्त की रात तक बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन आपको बता दें कि नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को 2 दिन बीत चुके हैं। शांति वार्ता भी हुई, लेकिन बीती रात एक बार फिर से दो धार्मिक स्थलों पर आगजनी की खबर है। शरारती तत्वों ने दो धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अब पूरा दलबल नूह में तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किन लोगों ने धार्मिक स्थलों को आग के हवाले किया है। वहीं नूह में भारी सुरक्षा बल तैनात है ताकि अब किसी भी तरीके से उपद्रवी शांति को भंग ना कर सके। आपको बता दें कि नूह में हुई हिंसा में दो होमगार्ड और चार आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम के सोहना, पटौदी, मानेसर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 अगस्त की रात तक बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन आपको बता दें कि नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई है।